आपको मैं कुछ खास रेमेडीज बता रही हूँ। एक तो आपके पैसों की दिक्कत दूर होगी और दूसरा डिप्रेशन दूर होगा। आपको क्या क्या करना है जानिए। जब शुक्ल पक्ष हो, जब मून अपने ग्रोथ वाले पीरियड पे हो, जिसको हम वैक्सिंग पीरियड ऑफ मून बोलते हैं, तो मोतीचूर के लड्डू खाएं। ये आपके मन में एक्साइटमेंट को पैदा करेगा, आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा। उल्टे हाथ की रिंग फिंगर में 4 बार घुमाकर लाल मौली को बांधे। इससे मंगल स्ट्रांग होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहाने के पानी में रात भर संतरे के छिलके भिगो दें और सुबह उसे नहाएं। अगर सर्दी बहुत ज्यादा लगती है तो फिर आप गर्म पानी में भी पानी मिलाकर नहा सकते हैं। इससे भी आपका सेक्रल चक्र एक्टिव होता है। पीला तिलक फोरहेड पर और चेस्ट के सेंटर में लगाने से आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। पानी में थोड़ा सा अमृत या गंगा जल मिलाकर पीते हैं तो आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी आती है, आप परफेक्ट फील करते हैं। फाइनेंशियल गेन के लिए आप क्या करें, सैटरडे शाम को उड़द की दाल के कुछ दाने लें, इन पर थोड़ा सा दही डालें, जरा सा सिंदूर छिड़ककर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, बिना पीछे मुड़े देख के वापस आ जाएं। ऐसा 7 सैटरडेज करें, आपको जल्दी ही फाइनेंशियल गेन होगा। आप एक चीज और ट्राई कर सकते हैं नेम और फेम पाने के लिए। रात को सोते समय तांबे के बर्तन में पानी भरें, इसमें शहद मिलाकर अपने बेड के पास रखें। पानी को सोने या चांदी का सिक्का डालकर, मतलब आप कोई सोने या चांदी की अंगूठी भी ले सकते हैं, साफ कर इसमें डाल दें। सुबह उठकर भगवान का नाम लेकर सिक्का या अंगूठी निकाल लें और बिना कुल्ला किए ये पानी पी लें। ऐसा 7 दिन रोज करें, आपको जल्दी ही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में ग्रोथ दिखेगी और फेम में भी ग्रोथ दिखेगी। अगर बीमारियां बहुत रहती हैं तो क्या करें, बीमार इंसान अगर संभव हो तो मंडे को ही डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा नहीं है बाकी दिन नहीं दिखाएं, इमरजेंसी हो, पर अगर रेगुलर चेकअप पे जाना है तो मंडे को जा सकते हैं। दवाई की पहली खुराक मंदिर में कुछ पैसे शिवजी को ऑफर करें, प्रार्थना करें, किसी गरीब को दान करें, फिर दवाई लें, और किसी और बीमार इंसान की दवाई का खर्चा उठाएं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, आपको बहुत बेटर होगा।